सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वर्कआउट वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं। मसल बिल्डिंग सीरीज का डे 4 आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम मसल ट्रेन करेंगे शोल्डर एंड एब्स। आइए अपना वीडियो शुरू करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे लोगों की क्वारी आ रही है कि रोड टू मसल बिल्डिंग जो ईबुक है उसको कैसे बाय कर सकते हैं, तो मैं क्विकली आपको प्रोसेस समझा देता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेबसाइट के लिंक को अगर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगी रोड टू मसल बिल्डिंग ईबुक। वहां पर आप एड टू कार्ट पर क्लिक करें, वहां आपको दिखेगा प्रोसीड टू चेकआउट, उस पर क्लिक करें। आपको एक फॉर्म दिखेगा जिसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, आपको उसमें अपना पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा जिससे आप वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करें और आप यहां से कार्ड, यूपीआई, पेटीएम और अन्य तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इनवॉइस के साथ एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी। आप उस ईमेल से या वेबसाइट पर अपने अकाउंट से ईबुक डाउनलोड कर सकते हो। आई होप अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं आर्नोल्ड प्रेस। इस एक्सरसाइज को हम बैठ के करेंगे। दो डंबल ले लें आप, जिसको आप इस तरीके से रखेंगे और यहां से रोटेट करते हुए डंबल को लिफ्ट कर देंगे। जब भी आप डंबल लिफ्ट करोगे, ब्रीद आउट, होल्ड करो एक सेकंड के लिए एंड स्लोली वापस लाओ डंबल को। और यहां से जब आप डंबल को टर्न करते हो तब आप बस अपनी रिस्ट का ध्यान रखना, बहुत ही आराम से करना है आपको और शोल्डर मसल्स को टारगेट करना है। स्लोली लिफ्ट इट अप एंड ब्रीद आउट। इस एक्सरसाइज के नंबर ऑफ सेट्स हम करेंगे 4। पहला सेट जो होगा वो हमारा वार्म अप होगा, जिसमें आप लाइट वेट लेंगे, 15 रेपिटेशन करेंगे। उसके बाद जो सेकंड सेट आपका होगा उसमें आप वेट थोड़ा बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ रेपिटेशन करो 12। और लास्ट के दो सेट जो होंगे वो आपके फेलियर सेट होंगे, जिसमें आप मैक्सिमम वेट लिफ्ट करने की कोशिश करोगे और 8 से 10 रेपिटेशन करोगे। सेकेंड एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं बिहाइंड द नेक बारबल प्रेस। करने के लिए आपको एक बारबल की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम वाइड ग्रिप पकड़ेंगे, मतलब शोल्डर से बाहर। उसके बाद बार को बहुत स्लोली कंट्रोल वे में आराम से नीचे लेके आएंगे एंड बहुत ही रिदम से लिफ्ट करेंगे। जस्ट स्क्वीज योर शोल्डर एंड ब्रीद आउट। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बार जो है उसको आपको बहुत ज्यादा नीचे नहीं लाना, ये आपको ध्यान रखना है। आराम से लिफ्ट करें, मसल पे फोकस करें, ब्रीद आउट करें एंड आपकी रिदम ज्यादा मैटर करेगी। इस एक्सरसाइज के हम दो ही सेट करेंगे, पर दोनों सेट जो होंगे वो फेलियर सेट होंगे, मींस जिसमें आप हैवी वेट करेंगे बट रेपिटेशन 8 से 10 परफॉर्म करें। पर बहुत ही ध्यान से इस एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना है, तो बहुत ज्यादा हैवी वेट से भी ट्रेन ना करें। थर्ड एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं इंक्लाइन 1 आर्म डंबल साइड लेटरल, जिसमें हमने बेंच को इंक्लाइन कर लिया है। और ये एक्सरसाइज बहुत सारे लोगों ने नहीं की होगी, बट बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है फॉर योर मिडिल डेल्टॉइड। आराम से लेट जाएं, एक हाथ को आप किस भी, मतलब जो आपका हाथ रेस्टेड है उसको कैसे भी रख सकते हैं। और यहां से आपको डंबल को लिफ्ट करना होगा, जस्ट ब्रीद आउट
एंड मिडिल डेल्टॉइड को टारगेट करें, आराम से छोड़ें। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डंबल को बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर सकते, और जब आप छोड़ते हो नीचे तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं छोड़ सकते। तो इसको आपको मिडिल डेल्टॉइड पे होल्ड रखना है और यहाँ से डंबल को लिफ्ट करना है, ब्रीद आउट। फिफ्टीन रेपिटेशन करूंगा मैं एक हाथ से, सेम मूवमेंट मैं दूसरे हाथ से भी परफॉर्म करूंगा 15 रेपिटेशन, वो मेरा एक सेट होगा। नंबर ऑफ सेट्स मुझे करने हैं 3, पर बाद के जो 2 सेट होंगे वो मेरे फेलियर सेट होंगे, जिसमें मैं 10 से 12 रेपिटेशन करूंगा। फोर्थ एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं वन आर्म केबल साइड लेटरल, इसमें भी मैं अपने मिडिल हेड को टारगेट करूंगा, एक डी हैंडल की मेरे को जरूरत पड़ेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि मशीन से बहुत ज़्यादा दूर ना खड़े हों, मशीन के थोड़ा क्लोज खड़े हों, एक हाथ से सपोर्ट लें, पेल्विक बोन से थोड़ा बेंड करें और यहाँ से आप हैंडल को लिफ्ट करोगे, मिडिल हेड को टारगेट करोगे एंड बहुत आराम से वापस छोड़ दोगे। बस यहाँ पे आपको ध्यान करना है, जब भी आप हैंडल को लिफ्ट करते हो बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर सकते, और छोड़ते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप हैंडल को पेल्विक बोन तक ही लेके आए, तो अंदर ना लाएं। तो बेसिकली आपको अपने शोल्डर को इन्वॉल्व रखना है। आई विल शो यू, जब भी आप लिफ्ट करते हो हैंडल, ब्रीद आउट करें एंड जितना ज्यादा से ज्यादा मसल पे फोकस करते हो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ सेट्स मैं करूंगा 3, और हर सेट में मैं नंबर ऑफ रेपिटेशन रखूंगा 12, वेट बढ़ाता रहूंगा और एक्सरसाइज को मैं दूसरे हाथ से भी परफॉर्म करूंगा। फिफ्थ एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूं, इंक्लाइन बेंच रिवर्स फ्लाई। इस एक्सरसाइज में मैं अपने रेयर डेल्ट को टारगेट करूंगा, करने के लिए मुझे एक इंक्लाइन बेंच की जरूरत पड़ेगी जिसपे मैं आराम से लेट जाऊंगा चेस्ट लिफ्ट करके, और 2 डंबल की मुझे जरूरत पड़ेगी। बस ध्यान रहे कि डंबल को आप रियर डेल्ट की स्ट्रेंथ से उठाओगे, मतलब जर्क नहीं मारोगे। जब भी आप डंबल लिफ्ट करोगे, ब्रीद आउट करो, फोकस करो रियर डेल्ट पे एंड आराम से डंबल को छोड़ दो, बहुत ही कंट्रोल वे में, सो दैट आप अपने मसल को टारगेट कर पाओ एंड हिट कर पाओ। इस एक्सरसाइज को आपको ज़्यादा हैवी वेट से ट्रेन नहीं करना, बहुत छोटा मसल है, तो ट्राई करें लाइटर वेट से करें। नंबर ऑफ रेपिटेशन रखें 15 से 20 और नंबर ऑफ सेट्स 3। सिक्स्थ एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं वन आर्म डंबल रेयर लेटरल। इस एक्सरसाइज में भी हम अपने रेयर डेल्ट को टारगेट करेंगे, एक हाथ से मुझे सपोर्ट लेना होगा, दोनों नीज को सॉफ्ट करें और बेंड हो जाएं। उसके बाद आप डंबल को इस तरीके से होल्ड करेंगे और यहां से रेयर डेल्ट की स्ट्रेंथ से डंबल को लिफ्ट करेंगे एंड ब्रीद आउट। जितना ज्यादा से ज्यादा आप रेयर डेल्ट को टारगेट कर सकते हो उतना करें एंड स्क्वीज भी करें, बहुत ही कंट्रोल वे में करें सो दैट आप अपने मसल को हिट कर पाए। मसल माइंड कनेक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इस एक्सरसाइज को भी आपको ज्यादा हैवी वेट से ट्रेन नहीं करना, मॉडरेट वेट लें। नंबर ऑफ सेट्स आपको करने हैं 2 और हर सेट में आपको 12 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं। शोल्डर मसल की 7th एंड लास्ट एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं फ्रंट केबल रेजेस, जिसमें हम अपने फ्रंट डेल्टॉइड को टारगेट करेंगे, जिसके लिए मैंने एक स्ट्रेट हैंडल को केबल से कनेक्ट किया है। मेरे दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए मेरे शोल्डर से अंदर। अब मैं अपने पेल्विक बोन से फॉरवर्ड बेंड करूंगा और यहां से मैं हैंडल को लिफ्ट करूंगा अपने शोल्डर के सामने, यानी शोल्डर लेवल तक। बस ध्यान रहे कि इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए कभी भी हैंडल आपके शोल्डर से
ऊपर नहीं जाना चाहिए और यहाँ से आप हैंडल को आराम से छोड़ दें, बहुत ही कंट्रोल वे में लिफ्ट करें, जस्ट स्क्वीज योर फ्रंट डेल्टॉइड एंड ब्रीद आउट। मसल माइंड कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए। नंबर ऑफ सेट्स मुझे करने हैं 3। हर सेट में आपको वेट बढ़ाना होगा और रेपिटेशन आपके हर सेट में 12 रहेंगे। शोल्डर मसल ट्रेन करने के बाद अब हम एब्स को ट्रेन करेंगे, जिसमें हम 3 एक्सरसाइज करेंगे, जिसकी पहली एक्सरसाइज मैं कर रहा हूं नी वी अप्स, जिसमें आपको इस तरीके से बैठना होगा, दोनों हाथों से सपोर्ट ले लें और पैरों को मिला लें और यहां से आप नीज को चेस्ट के क्लोज लाने की कोशिश करेंगे, एब्स को स्क्वीज करेंगे एंड ब्रीद आउट। कंट्रोल वे में बस आपको फोकस करना है कि हर रेपिटेशन में हम एब्स मसल को स्क्वीज करेंगे। नंबर ऑफ रेपिटेशन हर सेट में मेरे होंगे 20 और नंबर ऑफ सेट्स 3। एब्स मसल की दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं ट्विस्टिंग सिटअप्स। दोनों पैरों को स्टेबल रखने के लिए आप किसी भी चीज का सपोर्ट ले लें, नीज बेंड कर लें, दोनों हाथ सिर के पीछे आराम से नीचे जाएं और यहां से आप आराम से ऊपर आएं एंड ट्विस्ट करें एंड ब्रीद आउट, वापस जाएं एंड आप फिर दूसरी साइड ट्विस्ट करें। फोकस ऑन योर ऑब्लिक्स मसल। रिदम एंड कंट्रोल आपका अच्छा होना चाहिए। आपका टारगेट है कि हर सेट में आपको 20 रेपिटेशन जरूर परफॉर्म करने हैं। नंबर ऑफ सेट्स अगेन 3। एब्स मसल की थर्ड एंड लास्ट एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं टो टच क्रंचेस, जिसमें आपको दोनों लेग्स को लिफ्ट करना होगा, हाथों को पीछे लेके जाएं एंड फिर कोशिश करें कि अपनी टोज को टच करें एंड एब्स को स्क्वीज। जब भी आप लिफ्ट करते हो ब्रीद आउट करो। तीन सेट आपको परफॉर्म करने हैं और हर सेट में आपका टारगेट होना चाहिए 20 रेपिटेशन। ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं कल आपके साथ डे 5 की एक्सरसाइज शेयर करूंगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।